जिनके हृदय श्री राम बसे, जिनके हृदय। यू जस्ट हर्ड फ्रॉम द फेस दैट इज वेरी फेमिलियर टू यू, द वॉइस दैट इज वेरी फेमिलियर टू यू बाय नाउ, मिठू पाल्स, द ब्यूटिफुल राम भजन। इट वॉज अबाउट हैविंग द डिवाइन, the name here used is Ram, that is not so important, having the divine in your heart all the time, means being aware of the divine all the time. And there were many other sort of examples cited of how many of the externals and minor things to which we sometimes give more importance in our spiritual practice get automatically sort of covered or become insignificant when you do something which truly goes to the heart of the issue, which truly goes to the goes to your complete sort of dedication to the divine. So whether you go to a pilgrimage or not, whether you do this or that, doesn't matter. The main thing is to be aware of the divine all the time. If it is in your heart, you'll be aware of it. If you'll be aware of it, then all that you do will be colored and controlled and guided by that awareness. That is what eventually matters. जिनके हृदय श्री राम बसे, जिनके हृदय श्री राम बसे, उन और को नाम लियो न लियो, जिनके हृदय श्री राम बसे, उन और को नाम लियो न लियो, जिनके हृदय श्री राम। कोई मांगे कंचन सीकाया, कोई मांग रहा प्रभु से माया, कोई मांगे कंचन सीकाया, कोई मांग रहा प्रभु से माया, कोई पुण्य करे कोई दान करे, कोई नाम का रोज बखान करे, जिन कन्या धन को दान दियो, जिन कन्या धन को दान दियो, उन और को दान दियो न दियो, जिनके हृदय श्री राम बसे, उन और को नाम लियो न लियो, जिनके हृदय श्री राम। कोई घर में बैठा नमन करे, कोई हरि मंदिर में भजन करे, कोई घर में बैठा नमन करे, कोई हरि मंदिर में भजन करे, कोई गंगा जमुना स्नान करे, कोई काशी जाके ध्यान धरे, जिन मात पिता की सेवा की, जिन मात पिता की सेवा की, उन तीर्थ स्थान की ओ न की ओ, जिनके हृदय श्री राम बसे, उन और को नाम लियो न लियो, जिनके हृदय श्री राम, जिनके
हृदय श्री राम जिनके हृदय श्री राम।